पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगा कर लगा लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3 साढ़े 3 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए GST आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है, तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर आज सर मैं अपने इस भाषण को सर 2 भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा, और दूसरे भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा। सर पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी, देश की जनता ने उन सीटों पर 18% GST लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर सर इसके कई कारण बताए जाते हैं, कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर ये सब ऊपरी ऊपरी कारण है, मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी इकोनॉमी।